हेलो फ्रेंड्स इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स बट बिफोर दैट वी विल डिस्कस अ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम रिलेटेड टू अनस्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन इन लास्ट वीडियो वी हैव डिस्कस द सेम प्रॉब्लम बट वी हैव सॉल्व कि हम डायरेक्टली कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं ये हमने वहाँ पर डिस्कस किया था बट इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस इट्स मैथमेटिकली कि कंप्लीट बेसिकली मैथमेटिकल इक्वेशन से अनस्टडी फ्लो की इक्वेशन लगा के हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे ठीक है फर्स्ट वीडियो में हमने डायरेक्ट कैसे इसको अप्रोच करना है वो हमने डिस्कस किया था कि वन लाइन में कैसे इसको आंसर करेंगे लेकिन अभी हम जो अनस्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन है उसको अप्लाई करके उसकी एप्लीकेशन से हम इसका आंसर निकालेंगे ठीक है तो ये हम प्रोसीजर से आंसर निकालेंगे और जो वो वाला क्वेश्चन जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था ये इसका सॉल्यूशन वो हमने डायरेक्ट एक अप्रोच डायरेक्ट अप्रोच से हमने सॉल्व कर दिया था ठीक है डायरेक्ट फिल करके हमने इसको आंसर तक पहुंच गए थे कि जो इसका फाइनल टेम्परेचर जो होगा वर्किंग फ्लूड का जो भी एयर आई एम एज्यूमिंग टू बी अ फ्लूड हेयर दैट इज़ फ्लोइंग इन द पाइपलाइन तो इसका फाइनल टेम्परेचर क्या होगा ये हमें निकालना था ठीक है तो आप लास्ट वीडियो के एंड में हमने इसको डिस्कस किया था ठीक है तो यदि आपको ये न्यूमेरिकल नहीं पता है तो आप वहाँ से एक बार इसको देख सकते हो कि डायरेक्ट कैसे सॉल्व करना है एक बार मैं न्यूमेरिकल दोबारा बता देता हूँ कि देखिए इट इज अ बेसिकली अ पाइपलाइन ठीक है इन दिस पाइपलाइन द एयर इज फ्लोइंग ठीक है हियर इट इज अ पार्टीशन इज देयर दिस इज इवाकुएटेड चाम्बर विच इज इंसुलेटेड देर इज नो हीट लॉस ओके नाउ इफ आई ओपन दिस वॉल देन द फ्लूड विल एंटर इन द इवाकुएटेड चाम्बर देन वी हैव टू टेल कि वट वुड बी द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द एयर ठीक है तो इट इज बेसिकली अ कंट्रोल वॉल्यूम ठीक है तो ये एक कंट्रोल वॉल्यूम मैं ड्रॉ कर सकता हूँ दिस इज अ कंट्रोल वॉल्यूम सो इन दिस कंट्रोल वॉल्यूम बेसिकली देर इज ओनली इनलेट देर इज नो एग्जिट दिस इज अ कंट्रोल वॉल्यूम देर इज ओनली इनलेट इज देयर ठीक है देर इज नो एग्जिट बेसिकली इफ देर इज नो एग्जिट देन द मास लिविंग बेसिकली दैट इज जीरो एम डोट ई जो होगा वो जीरो हो जाएगा ठीक है काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस को हम नेगलेक्ट करेंगे यहाँ पे इंथेल्पीज़ का वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज़ जीरो क्यों देखो क्योंकि जो इंथेल्पी से जिस इंथेल्पी से एयर एंटर करेगा दैट इंथेल्पी इज सेम ठीक है विद रिस्पेक्ट टू टाइम दिस एच आई इज़ नॉट वेरिंग तो डी एच आई बाई डी टी मतलब वेरिएशन ऑफ इंथेलपी विद रिस्पेक्ट टू टाइम आज जीरो देर इज़ नो हीट लॉस तो ये हमने पहले लिखा हुआ है कि हीट लॉस इज़ जीरो देखिए ये क्लोज यहाँ से देर इज़ नो एग्जिट बेसिकली नो मास इज़ लिविंग सो एम डॉट ई इज जीरो ठीक है इनिशियल जो कंडीशन में जो हमारा चैम्बर है जो कंट्रोल वॉल्यूम है दिस इज़ अ कंट्रोल वॉल्यूम दिस कंट्रोल वॉल्यूम इनिशियली इज वॉट इनिशियली इट इज सो इनिशियली देर इज नो मास और देखिए कोई भी वर्क ट्रांसफ़र यहाँ नहीं हो रहा है तो जब हम मास कंजर्वेशन और एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करते हैं तो बेस्ड ऑन द मास कंजर्वेशन आई कैन राइट डाउन कि किस रेट से मास चेंज होगा कंट्रोल वॉल्यूम में जिस रेट से मास एंटर हुआ तो डी एम बाई डी टी इन द कंट्रोल वॉल्यूम दिस इज बेसिकली व्हाट ये किसके बराबर होगा एम डॉट आई माइनस ऑफ एम .e, डॉट ई ठीक है एम डॉट आई माइनस एम डॉट ई मतलब दिस इज द बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ मास इन द कंट्रोल वॉल्यूम वो किसके बराबर होगा जिस रेट से एंटर कर रहा है माइनस जिस रेट से द मास इज लिविंग ठीक है so with the same way i can write down the energy equation energy conservation bhi laga sakta hu ye dekhiye kis rate se energy control volume mein change hoga wo kiske barabar hoga jis rate se energy enter kar raha hai minus jis rate se energy that is leaving from the control volume तो enter कर कैसे कर रहा है कुछ working fluid आ रहा है ठीक है वो enthalpy लेके आएगा kinetic energy लेके आएगा potential लेके आएगा heat लेके आएगा heat transfer होगा तो same ये तो हमने discuss कर लिया है ये बेसिक एनर्जी एंड एंडस्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन में हम कैसे एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अब इस प्रॉब्लम में विद एजम्पशंस कैसे लगाएंगे वो हम देख लेते हैं ठीक है तो इस प्रॉब्लम में देखिए मास कंजर्वेशन हम पहले अप्लाई करेंगे फिर हम एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे तो मास कंजर्वेशन में देखिए देर इज नो मास इज लिविंग फ्रॉम द सिस्टम ठीक है यहाँ पे बेसिकली एम डॉट ई इज ज़ीरो एम डॉट ई इज जीरो क्यों क्योंकि नो मास इज लिविंग ठीक है नो मास इज लिविंग फ्रॉम द कंट्रोल वॉल्यूम ठीक है तो अब यहाँ पे जो भी मास रेट जिस रेट से कंट्रोल वॉल्यूम में मास चेंज होगा वो किसके बराबर होगा जिस रेट से मास एंटर कर रहा है ठीक है अब एनर्जी इक्वेशन लगाता हूँ जब एनर्जी इक्वेशन लगाऊंगा तो यहाँ पे देखिए जो भी बेसिक एजम्पन्स थे हमारे पास इस प्रॉब्लम में कि कोई भी हीट लॉस नहीं था क्यू डॉट इज जीरो कोई भी वर्क ट्रांसफर नहीं था काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के चेंजेस नेगलिजिबल थे ठीक है तो ये सब जब एजम्सन्स लगाता हूँ और बेसिकली दूसरा क्या कह सकता हूँ कि एम डॉट ई बी जीरो था ठीक है तो जब मैं इन एजम्पसंस को लगाता हूँ तो जो हमारे पास डी ई बाई डी टी जो एनर्जी चेंज होगा कंट्रोल वॉल्यूम में उसका एक्सप्रेशन निकालता हूँ देखो तो डी ई बाई डी टी इन द कंट्रोल वॉल्यूम दैट विल बी इक्वल टू देखो एम डोट आई एम डॉट आई इंटू एच आई मतलब इस रेट से मास इंटर कर रहा था और इस इंथेलपी के साथ आ रहा था और इंथेल्पी का वेरिएशन देखो टाइम के रेस्पेक्ट में तो नहीं है ठीक है प्लस कुछ भी काइनेटिक एनर्जी नहीं लेके आ रहा है पोटेंशियल एनर्जी हम ये चेंजेस नेगलिजिबल मान रहे हैं तो काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी की टर्म्स को तो मैं नेगलेक्ट कर दूंगा ठीक है क्योंकि चेंज ज़ीरो लिख रहे हो ठीक है तो नहीं लिखता हूँ नेगलेक्ट कर रहा हूँ काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी को हीट बेसिकली जीरो है ठीक है लेफ्ट हैंड साइड तो यही टर्म बचा ठीक है अब माइनस ऑफ क्या होता है एम डॉट ई इन टू एच ई तो देखो एम डॉट ई भी जीरो है क्योंकि नो मास इज लिविंग उसके बाद यहाँ काइनेटिक पोटेंशियल का टर्म आता और एक वर्क का टर्म आता तो ना तो काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी का चेंज हमें नेगलेक्ट करना है तो वो भी नहीं लिख पाऊंगा वर्क ट्रांसफर भी जीरो है तो बेसिकली केवल डी ई बाई डी टी को क्या लिख दूंगा डी यू बाई डी टी इसको मैं लिख सकता हूँ डी यू बाई डी टी तो ये किसके बराबर आया एम डोट आई इन टू एच आई तो बेसिकली ये इक्वेशन इतना रिड्यूस हो चुका है क्योंकि बाकी सभी टर्म्स रिड्यूस होकर जीरो बन चुके हैं तो अभी जो फाइनल इक्वेशन हमारे पास आया डी यू क्यों लिखा ई से क्योंकि हमने काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी के चेंजेस नेगलेक्ट कर देंगे तो एनर्जी जो टोटल एनर्जी है दैट विल रिड्यूस अप टू इंटरनल एनर्जी तो ई वी विल रिप्लेस बाय यू क्यों क्योंकि काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी के टर्म नेगलेक्ट कर दिया है यहाँ पे देखो जब काइनेटिक पोटेंशियल नेगलेक्ट कर देंगे हम यहाँ पे तो जो ई e है वो केवल यू बचेगा ठीक है तो डी यू बाई डी टी इज बेसिकली एम डॉट आई इनटू एच आई अब देखो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द पार्ट इसका सॉल्व हो चुका है तो देखो यहाँ तक हम सॉल्व कर चुके हैं कि डी यू बाई डी टी जो होगा दैट इज एम डॉट आई इंटू एच आई ठीक है नाउ अब देखिए एम डॉट आई किसके बराबर था क्योंकि ये हमने लिखा था कि डी एम बाई डी टी इन द कंट्रोल वॉल्यूम दिस इज नथिंग बट यो एम डॉट आई क्योंकि एम डोट ई तो जीरो था तो डी एम डॉट आई को हमने रिप्लेस कर दिया डी एम बाई डी टी से ठीक है यहाँ हमने डी एम बाई डी टी लिख दिया तो डी यू बाई डी टी इज नथिंग बट द रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी यदि हम इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल तो दिस इज आई कैन राइट डाउन यू टू डॉट माइनस यू वन डॉट की यू टू डॉट की जिस रेट से फाइनल इंटरनल एनर्जी चेंज हो रहा है माइनस यू वन क्या है मतलब जिस रेट से इनिशियल इंटरनल एनर्जी चेंज हो रहा था ठीक है माइनस डी एम बाई डी टी इन एच आई इसको इंटीग्रेट करता हूँ तो लिख सकता हूँ एम टू डॉट माइनस एम वन डॉट नाउ बेसिकली यू वन डॉट इज जीरो क्यों क्योंकि इनिशियली कुछ मास ही नहीं था यू वन डॉट इज जीरो U1 वन डॉट को क्या लिख सकते यू टू डॉट है मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ फाइनल इंटरनल एनर्जी तो एम टू डॉट इं टू यू टू ऐसे लिख सकता हो माइनस यू वन डॉट का मतलब क्या है एम वन डॉट इन टू यू वन तो देखो एम वन डॉट तो कुछ था ही नहीं ना क्योंकि इनिशियल वन और टू किसके लिए है सबस्क्रिप्ट इनिशियल और फाइनल के लिए वन फॉर इनिशियल टू फॉर फाइनल ये हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में जो सब्सक्रिप्ट कैसे ही लेंगे तो एम वन जीरो हो जाएगा क्यों क्योंकि इनिशियली जो चैम्पर था वो इवाकुएटेड था तो एम टू यू टू एम टू डॉट इन टू यू टू दिस इज नथिंग बट इक्वल टू अब इसको एम टू माइनस एम वन डॉट तो एम वन डॉट बेसिकली जीरो है देखो हमने डिस्कस किया कि इनिशियली वाक्वाइटेड था तो एम टू यू एम टू डॉट इन टू यू टू ये कुछ नहीं है एम टू डॉट इन टू यू टू दिस इज इक्वल टू एम टू डॉट इन टू एच आई ठीक है ना तो एम टू डॉट से एम टू डॉट गया तो यू टू इक्वल टू एच आई मतलब जो फाइनल इंटरनल एनर्जी होगा ईयर का इन द कंट्रोल वॉल्यूम दैट विल बी इक्वल टू द इंथेलपी ऑफ द वर्किंग कि इंथेलपी के साथ वो आ रहा था उसी इंथेपी किस में कन्वर्ट हो जाएगी उसका इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी तो ये देखो हमने डायरेक्ट फील करके भी लिख दिया था लास्ट क्लास में क्यों क्योंकि वहाँ पे वो फ्लो कर रहा था और अब जब क्लोथ्स अब वो कंट्रोल वॉल्यूम में एंटर हो चुका है तो इट कान लीव द सिस्टम सो इट बेसिकली वो रुक गया वहाँ पे तो जो भी उसका काइनेटिक पोटेंशियल तो हम नेग्लेक्ट कर ही रहे हैं बाकी कुछ एनर्जी हम कंसिडर uh, कर नहीं रहे हैं काइनेटिक पोटेंशियल वगैरह हीट और वर्क भी हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं क्योंकि नो हीट लॉस नो वर्क ट्रांसफर तो बेसिक एनर्जी कंजर्वेशन हमें ये कहता है कि जो उसका इंथेलपी था वो उसका इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो चुका है बस और तो यही हम डिराइव करके निकाल पाए हैं बाकी कुछ हमने तोप चीज नहीं निकाली है ठीक है ना कुछ हमने एक्स्ट्रा ऑर्डनरी नहीं किया है यहाँ पर जो हम डायरेक्ट फील करके लिख सकते हैं ना एंड तो वही हमने मैथमेटिकली डिराइव करके लिखा है अब देखिए इफ़ द वर्किंग फ्लूड इज आइडियल गैस यदि मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि माई वर्किंग फ्लूड इज आइडियल गैस देन वी नो द इंटरनल एनर्जी एंड इंथेल्पी आर अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर फॉर आइडियल गैस देन यू टू कैन बी रिटन डाउन एज यहाँ पे यू ट्यूब कैन बी रिटर्न डाउन इट सी वी इंटू टी टू ठीक है एच आई कैन बी आई कैन राइट डाउन इट सी पी इंटू टी आई तो यहाँ पे देखो हम जो फाइनल टेम्परेचर होगा दैट इज सी पी बाई सी वी इंटू टी आई तो जो फाइनल टेम्परेचर टी टू दैट इज गामा टाइम्स टी आई तो टी टू क्या हो जाएगा गामा टाइम्स टी आई यही देखो डिराइव करके लिखा हुआ है तो ये कैसे डिराइव हुआ बट ये हम कब लिख सकते हैं वन आवर वर्किंग फ्लूड इज आइडियल गैस दिस इज द एजम्पन हीयर वर्किंग फ्लूड शुड बी आइडियल गैस इन दैट केस आई कैन राइट डाउन दैट द फाइनल टेम्परेचर इन द टैंक विल बी गामा टाइम्स ऑफ द इनिशियल टेम्परेचर गामा टाइम्स ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द इनलेट फ्लूड जो भी इनलेट पे फ्लूड आ रहा है पाइपलाइन से उसका गामा टाइम्स टेम्परेचर हो जाएगा फाइनल टेम्परेचर ठीक है तो द वर्किंग फ्लूड क्या है यहाँ पे आइडियल गैस है ये हमारा अजमसल है तो अब हम सेकंड लॉ पे आ जाते हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स पे डायरेक्टली आ जाते हैं तो आ, आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ आया होगा इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट और प्रॉब्लम था ये जो हमने डिस्कस किया है अभी डायरेक्ट भी डिस्कस किया मैथमेटिकली भी डिस्कस किया कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो अब देखिए हम अगला टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं दैट इज अबाउट द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडानेमिक्स ओके ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को देखिए हमने हमें क्या बताता है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये बेसिकली हमें एंट्रोपी का आइडिया देता है ठीक है यहाँ से हमें एक न्यू प्रॉपर्टी हम डिराइव करते हैं थर्मोडाइनमिक्स में तो एंट्रोपी के बारे में हम यहाँ एक नई प्रॉपर्टी हमें बताता है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स ठीक है तो इट गिव्स अस अ आइडिया ऑफ एंट्रॉपिक और विद हेल्प ऑफ दिस आइडिया वी कैन टेल कि अबाउट द फिजिबिलिटी ऑफ ए प्रोसेस ठीक है इस आइडिया की हेल्प से हम ये बता सकते हैं कि ये प्रोसेस फिजिबल है या नहीं है मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कोई प्रोसेस हो सकता है या नहीं हो सकता फॉर एग्जाम्पल कैसे कि मान लो कि ये हमारे पास एक लिक्विड है ठीक है दैट इज फिल्ड इन अ टैंक ठीक है यहाँ पे आई हैव आई एम रनिंग ए स्टीरर ठीक है और हम क्या सप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, वी आर गोइंग टू सप्लाई सम अमाउंट ऑफ वर्क ठीक है हम इसको कुछ मैकेनिकल वर्क देंगे ये रोटेट करेगा तो जब ये रोटेट करेगा तो ड्यू टू दिस वर्क ट्रांसफ़र दैट विल कन्वर्टेड इन टू द इंटरनल एनर्जी ओके तो इसका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा इसका टेम्परेचर हमने इंक्रीज़ करवा लिया और जैसे ही इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो बेसिकली हमने क्या कहा कि देखिए जब हम वर्क ट्रांसफ़र करवा रहे हैं इन टू सिस्टम जब सिस्टम में वर्क ट्रांसफ़र करवा रहे हैं तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है अब यदि हम चाहें कि रिवर्स डायरेक्शन में प्रोसेस हो जाए कि हम इसको इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करवा के अब क्या हुआ है देखो वर्क ट्रांसफ़र हुआ और इसका टेम्परेचर बढ़ा हम यदि ये चाहें कि इसका टेम्परेचर बेसिकली इंक्रीज करके और इसका मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करवा लें कि हम इसका टेम्परेचर इनक्रीज कर दें और ये जो स्टीरर है ये रोटेट करने लग जाए तो ऐसा तो देखो पॉसिबल नहीं है अब देखते हो कि आप इसका टेम्परेचर इनक्रीज़ कर दो और ये स्टीरर अपने आप घूमने लगे तो मतलब क्या है कि इस डायरेक्शन में तो प्रोसेस ये फिजिबल है कि आप वर्क सप्लाई करोगे तो ये रोटेट करेगा और इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा लेकिन यदि आप इसका टेम्परेचर बढ़ा के यदि ऐसा चाहो कि ये स्टीर घूमने लगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है तो मतलब दिस प्रोसेस इज नॉट फिजिबल इन बैकवर्ड डायरेक्शन इट इज़ फिजिबल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन ठीक है तो ये आइडिया हमें कौन बताता है ये आइडिया हमें सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स बताता है सेकेंड लॉ से हमें आइडिया मिलता है कि किस डायरेक्शन में इसलिए इसको क्या बोलते हैं डायरेक्शन लॉ भी बोलते हैं डायरेक्शन लो क्यों बोलते हैं क्योंकि ये हमें किसी भी प्रोसेस की डायरेक्शन को बताता है दैट्स वाई वी कॉल दिस लो एज डायरेक्शनल लो इट इज ऑल्सो नॉन एज क्वालिटेटिव लो वाई इट इज़ नॉन एज क्वालिटेटिव लो क्योंकि यहाँ हम जो एनर्जी के बारे में डिस्कशन करते हैं तो एनर्जी की क्वालिटी के बारे में हम डिस्कशन करते हैं वी डिस्कस हियर अबाउट द क्वालिटी ऑफ एनर्जी एनर्जी क्वालिटी के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि यदि आपके पास एनर्जी है और सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी आपके पास मान लो हंड्रेड जूल ऑफ एनर्जी है और दैट हंड्रेड जूल ऑफ एनर्जी यू आर हैविंग एट फाइव हंड्रेड डिग्री सेल्सियस ठीक है और सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी हंड्रेड जूल आप हंड्रेड किलो जूल आपके पास एनर्जी है दैट इज एट फिफ्टी डिग्री सेल्सियस तो अब आपसे पूछता है कि क्वांटिटी तो दोनों का सेम है द बोथ द एनर्जीज आर हैविंग सेम क्वांटिटी बट यदि आप ये हंड्रेड किलोजूल फाइव हंड्रेड डिग्री सेल्सियस पे लेते हो तो इसका क्वालिटी बेटर है इट इज़ हैविंग बेटर क्वालिटी ठीक है ना तो जब सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी हाई टेम्परेचर पे होगा तो उसका क्वालिटी बेटर होगा क्वालिटी बेटर होने का मतलब क्या है उसका एंट्रोपिक कम होगा और एंट्रोपिक कम होने का मतलब क्या है कि उसमें जो डिसऑर्डरनेस होगा उसमें जो रैंडमनेस होगा वो कम होगा ठीक है ना और हमें एनर्जी में रैंडमनेस कम चाहिए ठीक है डिसऑर्डरनेस कम चाहिए ठीक है तो जिसमें भी डिसऑर्डरनेस है रैंडमनेस है एनर्जी में ज़्यादा तो मतलब उसकी क्वालिटी पुअर है ठीक है ना तो इसलिए ये क्वालिटेटिव लॉ भी कहा जाता है इसको हम डायरेक्शनल लॉ भी बोलते हैं और दूसरा इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी तो हमने सेकेंड लॉ के डिफरेंट टाइप के नेम्स को अभी फील किया कि इसको किस किस नाम से जाना जाता है इसको हम क्वालिटेटिव लॉ भी बोलते हैं इसको हम डायरेक्शनल लॉ भी बोलते हैं इसको हम लॉ ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं अब हम डिस्कस कर लेते हैं इसके डेफिनेशन वाले पार्ट पर ठीक है तो लेट्स कम टू द डेफिनेशन पार्ट ऑफ द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स इसको समझते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पर ठीक है तो देखिए आप जैसा देख पा रहे हैं स्क्रीन पर कि फर्स्ट लॉ किसके बारे में बताता है सेज दैट टोटल एनर्जी इज कंजर्व बट इट डज नॉट प्रोवाइड एनी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द फिजिबिलिटी ऑफ पॉसिबल एनर्जी कन्वर्जन मतलब ये हमें ये तो बता रहा है फर्स्ट लो कि एनर्जी कन्जर्व है कि टोटल एनर्जी इज कंजर्व लेकिन हमें ये नहीं बता रहा है कि किस डायरेक्शन में एनर्जी का कन्वर्जन फिजिबल है और किस डायरेक्शन में एनर्जी का कन्वर्जन फिजिबल नहीं है कि एनर्जी किस डायरेक्शन में आप कन्वर्ट कर सकते हो और किस डायरेक्शन में आप कन्वर्ट नहीं कर सकते हो फॉर एग्जाम्पल जैसे आप बोल रहे हो इसको थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए तो हम कैसे इसको समझ सकते हैं कि मान लो ये ब्लॉक है हमारे पास दैट इज मूविंग विद सम काइनेटिक एनर्जी तो इसकी वेलोसिटी है टू मीटर पर सेकेंड इट्स ब्लॉक इज हैविंग सम मास ऑफ लेट्स के जी और ये रफ सर्फेस है रफ सर्फेस है तो यहाँ पे फ्रिक्शन होगा हमिंग अ रफ सर्फेस तो रफ सर्फेस पे जब ये ब्लॉक मूव कर रहा है तो आफ्टर सम टाइम इट विल स्टॉप थोड़ा थोड़ी देर बाद क्योंकि फ्रिक्शन खा जाएगा इसकी एनर्जी को तो मतलब क्या है देखिए एनर्जी जो इसके पास काइनेटिक एनर्जी था जो काइनेटिक एनर्जी था वो किस में कन्वर्ट हो चुका है हीट एनर्जी में क्योंकि फ्रिक्शन की, की वजह से हीट जनरेट होगा अब यदि आप चाहो कि उस हीट एनर्जी से वापिस ये ब्लॉक इतना ही काइनेटिक एनर्जी गेन कर ले तो पॉसिबल नहीं है ठीक है ना तो इसलिए हमें ये अंडरस्टैंडिंग के लिए डिस्कस किया है कि जैसे इसको यदि मैं एक प्रोसेस मानता हूँ तो इस प्रोसेस में किस डायरेक्शन में ये पॉसिबल है और किस डायरेक्शन में ये पॉसिबल नहीं है ये हमें सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स बताता है जो भी थर्मोडाइनेमिक प्रोसेस हम पढ़ेंगे और उनमें हम फिजिबिलिटी चेक करेंगे तो दैट वी विल फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्योंकि देखिए प्रोसेस तो बाद में होगा पहले हमें उसकी पॉसिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी कि वो होगा या नहीं होगा ठीक है होगा तब हम एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे यदि प्रोसेस हो ही नहीं सकता है तो एनर्जी कंजर्वेशन किसका लगा देंगे क्योंकि हुआ ही नहीं प्रोसेस प्रैक्टिकली तो इसलिए जो हम प्रैक्टिकली जब स्टडी करते हैं तो पहले हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनमिक्स लगाएंगे उससे हम उस प्रोसेस की फिजिबिलिटी चेक करेंगे उसके बाद हम एनर्जी कंजर्वेशन को अप्लाई करेंगे ठीक है तो यही देखिए आगे लिखा हुआ है कि इन द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडानेमिक्स दिस एस एल ओ टी स्टैंड्स फॉर सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडानेमिक्स विच प्रोवाइड द डायरेक्शन ऑफ पॉसिबल एनर्जी कन्वर्जन थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रॉपी ठीक है ये हमें डायरेक्शन बताएगा कि किस डायरेक्शन में प्रोसेस पॉसिबल है एंड ड्यू टू दिस रीजन इट इज अप्लाइड फर्स्ट इन नमेरिकल टू फाइंड आउट द पॉसिबल एनर्जी कन्वर्जन डायरेक्शन देन वी विल अपलाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मा तो आई होप आप, आपको समझ आया होगा जो मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि पहले हम सेकेंड लॉ लगाएंगे उससे हम फिजिबिलिटी चेक करेंगे यदि प्रोसेस फिजिबल है देन हम एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे विच इज़ अ पार्ट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अब यहाँ से हमें दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं तो हम जो अब तक जो कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि सेकेंड लॉ में अब तक हमने क्या डिस्कस किया है तो वो हमने डिस्कस किया है कि यहाँ से हमें एंट्रोपी का आइडिया मिलता है एंट्रोपी क्या होता है एंट्रोपी के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि एंट्रोपी बेसिकली डिसऑर्डरनेस है रैंडमनेस है बेसिकली ठीक है सिस्टम का कितना डिसऑर्डरनेस है सिस्टम में वो हम मेजर करेंगे विद हेल्प ऑफ ए प्रॉपर्टी दैट वी हैव डिफाइंड टू बी एंट्रोपी ठीक है तो अब हम जो डिस्कस करेंगे कि जो इससे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हमने क्या कैलकुलेट किए हैं ठीक है नॉट पॉइंट्स अब हम डिस्कस करते हैं कि क्या हमने कंक्लूजनस है वो हम अभी डिस्कस कर लेते हैं कि हीट को हम बेसिकली बोलते हैं लो ग्रेड एनर्जी और वर्क हम बोलते हैं हाई ग्रेड एनर्जी अब ये देखिए हीट को हम लो ग्रेड एनर्जी क्यों बोलते हैं और वर्क को हम हाई ग्रेड एनर्जी क्यों बोलते हैं इसके पीछे एक लॉजिक है क्यों क्योंकि जब आप कंप्लीट जो वर्क होता है उसको आप हीट में कन्वर्ट कर सकते हो हंड्रेड परसेंट वर्क कैन बी कन्वर्टेड इन टू हीट हंड्रेड परसेंट बट कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं है यूनिवर्स में कि आप हीट को हंड्रेड परसेंट वर्क में कन्वर्ट कर पाओ कि आप ऐसा डिवाइस बना पाओ जिसकी हेल्प से आप हीट को हंड्रेड परसेंट वर्क में कन्वर्ट करा पाओ तो ये पॉसिबल नहीं है दिस इज नॉट पॉसिबल यूनिवर्स में हम ऐसा आज तक कोई भी डिवाइस नहीं बना पाए हैं कि जो हंड्रेड परसेंट हीट को वर्क में कन्वर्ट करा दे ठीक है ना ये हम आगे डिस्कस करेंगे कि ऐसा कोई भी डिवाइस हम नहीं बना पाए हैं ठीक है ना तो यदि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हीट हम 100 परसेंट कन्वर्ट नहीं करा सकते हैं वर्क में लेकिन वर्क को हम 100 परसेंट हीट में कन्वर्ट करा सकते हैं कैसे क्योंकि ये हमने डिस्कस किया था कि ये ब्लॉक है ये मूव कर रहा है ओवर अ रफ सरफेस तो ये इसका कंप्लीट काइनेटिक एनर्जी जो बेसिकली हाई ग्रेड एनर्जी है दैट इज बेसिकली अ वर्क वो कम्प्लीट हीट में डेसिपेट हो जाएगा ठीक है ना तो वर्क को तो आप हंड्रेड परसेंट हीट में कन्वर्ट करा सकते हो लेकिन हीट को नहीं करा सकते तो दैट्स वाई वी कॉल वर्क एज हाई ग्रेड एनर्जी और हीट एज लो ग्रेड एनर्जी इसकी वजह से हीट को हम बोलते हैं लो ग्रेड एनर्जी है ये ये पूरा कन्वर्ट नहीं हो सकता वर्क में और वर्क है ये हंड्रेड परसेंट कन्वर्ट हो जाएगा तो इसको हम बोलते हैं हाई ग्रेड एनर्जी तो आई होप आप आपको समझ आया होगा ये बात ठीक है कि क्यों वर्क को हाई ग्रेड बोलते हैं और क्यों हम हीट को लो ग्रेड एनर्जी बोलते हैं ठीक है तो देखिए अब तक जो हमने डिस्कशन किया है कि दैट इज़ अबाउट द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडानेमिक्स इसके डिफरेंट नेम्स के बारे में इसके फिजिकल सिग्निफिकेंस के बारे में कि ये एंट्रोपिक आइडिया देता है एंट्रोपी हमें जो भी प्रोसेस की फिजिबिलिटी हमें बताएगा कि कोई भी प्रोसेस है वो फिजिबल है या नहीं है कि किसी डायरेक्शन में ये हम एंट्रोपी की हेल्प से ही निकालते हैं ठीक है कि कोई भी प्रोसेस है यूनिवर्स में दैट इज़ हैपनिंग प्रोसेस इज हैपनिंग ठीक है तो वी विल कैलकुलेट द चेंज इन एंट्रॉपी ठीक है ये हम डिस्कस करेंगे आगे यदि कोई भी प्रोसेस है यदि वो रिवर्सिबल भी क्यों ना हो जाए लेकिन फिर भी यूनिवर्स का एंट्रोपी चेंज रिवर्सिबल प्रोसेस में जीरो हो सकता है इससे कम नहीं हो सकता है और यदि क्योंकि नॉर्मल जो प्रोसेस होते हैं यूनिवर्स में वो इिवर्सिबल होते हैं तो उनका जो एंट्रोपी चेंज होता है वो दैट इज बेसिकली ग्रेटर देन जीरो तो मैं कह सकता हूँ कि डेल्टा एस यूनिवर्स या तो वो ग्रेटर देन जीरो होगा या इक्वल टू जीरो होगा इक्वल टू जीरो कब हुआ रिवर्सिबल में तो ग्रेटर देन कब होगा ग्रेटर देन कब हो जाएगा जब वो इिवर्सिबल होगा प्रोसेस और जनरली इिवर्सिबल ही होते हैं तो हम क्या करेंगे यूनिवर्स का एंट्रोपी चेंज निकाल लेंगे यदि वो ग्रेटर देन जीरो है तो वो प्रोसेस पॉसिबल है ठीक है और यदि किसी प्रोसेस में यूनिवर्स का एंट्रोपी चेंज लेस देन जीरो आ रहा है तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल तो ऐसा किसी भी प्रोसेस में नहीं हो सकता है कि डेल्टा एस यूनिवर्स लेस देन ज़ीरो है तो ये नॉट पॉसिबल है ठीक है तो देखो इस तरीके से हमें सेकेंड लो ने हमें बताया एंट्रोपी की आइडिया को और हमें इसकी हेल्प से हम निकाल सकते हैं कि कौन सा प्रोसेस यूनिवर्स में पॉसिबल है कौन सा नहीं है तो हमने देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने हमारा है ये पूछा जाता है ठीक है इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स भी आएंगे अप्लाई भी करेंगे हम इसको तो ये आपको पता होना चाहिए कि डेल्टा एस यूनिवर्स जो होता है वो जीरो होगा रिवर्सिबल प्रोसेस में ग्रेटर देन जीरो होगा इट रिवर्सिबल प्रोसेस में लेस देन जीरो इट इज़ नॉट पॉसिबल सो इन दिस वीडियो बेसिकली वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेकेंड ऑफ थर्माडाइनमिक्स इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट हीट इंजन रेफ्रिजरेटर्स एंड ऑल ओके सो आई होप आपको अच्छे से समझ आए होंगे चीज़ें इफ़ एनी डाउट रिगार्डिंग दिस थिंग्स यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स So thank you so much for watching this video. Thanks a lot. Bye.